नूह में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई, कभी मेवात के एरिए में कभी आपस में कोई वो नहीं हुआ। कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से, कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें, आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है, वैसा ही भाईचारा कायम रखें, और ताकि शांति कायम हो सके। मैं पहले कह चुका, प्रशासन सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाते, पुलिस को पहले तैनात करते, खाली होमगार्ड के सिपाही खड़े थे, ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि ऐसी खबरें थी तो पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। अब वजह तो आपको पता लगेगा, वहाँ पर जब वजह यही है, जब पहले एक अंदेशा था, CID खबर थी जो मैंने सुना है कि कुछ हो सकता है, तो पुलिस को सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए था, टल जाता, कई दफा होता है।